I think right from day one, Sunny है, आनंद है, इन लोगों ने जब से शुरू किया है तब से. I was also about to own a team, तो उनका association is like a family and I'm very very proud of them that वो लोग दो साल तो हुए हैं और दो साल एकदम style में हुआ है. दो साल के completion पे the BCL is happening international, US में होने वाला है and US में I don't think television का कोई इससे बड़ा availabilities are going traveling एक साथ. And they're going to perform for the people. So we are really looking forward to that the US fans will get a chance to and entertain them personally. What do you think? I'm excited because BCL has been really fun. Entertainment has been really fun. To be very honest, I've seen all matches. But as much as I've seen, I've enjoyed it. And I hope that BCL is going international. ये सबसे बड़ा इवेंट लाइक ही सेड एस्पेशियली वी आर मेंशनिंग बीसीएल और हम जिस टीम में थे लखनऊ नवाब उसके जो ओनर थे अजय ही इज टेकिंग ऑल ऑफ अस देयर इन द यूएस एंड दैट इज अ बिग थिंग एंड अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट वेरी वेरी हैप्पी फॉर बिकॉज़ बीसीएल इज ट्राइंग टू गेट सो सेड एनी प्लान और व्हाट अदर थिंग्स वी गोना एक्सप्लोर थिंग्स वी गोना एक्सप्लोर हम अगर कहीं पे जाते हैं तो एक तो ये होता है ऑब्वियसली वी हैव वर्क दैट्स द रीजन वी आर गोइंग एंड वी डेफिनेटली टेक आउट टाइम टू ट्रैवल और साथ में हम जैसे कीड़े वाले जो लोग होते हैं जिनमें फिल्म मेकिंग का कीड़ा होता है वो ये भी सोचते हैं कि जाके वहाँ पे कुछ शूट कर ही आते हैं और हमारा वैसा ही कुछ दिमाग में प्लान है. राइट बिकॉज अजय हमारे शॉर्ट फिल्म के पहले शॉर्ट फिल्म के हीरो रह चुके हैं और उनकी फिल्म कांस में ऑल्सो डिड वेरी वेल. तो इसके लिए वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स ऑल्सो. बी सी एल के बाद अभी तो पार्टी शुरू हुई है टाइप्स होने वाला है. आई थिंक वी आर गोना बी शूटिंग समथिंग देयर. हम लोग स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं. अगर ऑडियंसेस आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो प्लीज सेंड इट टू अस बिकॉज वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्क्रिप्ट व्हिच कैन बी मेड इन यूएस. एंड ऑब्वियसली उसके बाद बीसीएल का बड़ा तड़का है. बीसीएल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले टेलीविजन एक परिवार हुआ करता था. अभी हमारे परिवार में एक नया बैकयार्ड खुल गया, प्लेग्राउंड खुल गया, क्योंकि जिसमें ऐसे प्लेग्राउंड में जहाँ सब लोग आके मिलते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप होता है, मस्ती होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो भी हर एक जहाँ चार बर्तन होंगे टन तो होगी. So it's a lot of entertainment. So we are really looking forward to this playground going international. Abhi hum bahar ja ke khelenge. Also Manjuna started now. So any plan? Which other food you like on monsoon? Place you would like to explore on monsoon? Monsoon, mera incoming free hai. Jo bhej do, main sab kha leta. So aisa kuch specific nahi hai. Monsoon ke saath inka birthday bhi aa raha hai. So inka birth month aaj shuru ho chuka hai. तो ये पूछे कि इनके बर्थ मंथ में क्या प्लान है और क्या हो रहा है. मेरा बर्थडे पे व्हाट आर द रैडिकल रेसिडेंट्स एंड मनीष की दीवानीज व्हाट आर दे डूइंग. इट्स रियली स्पेशल बिकॉज़ ये ट्रेंड शुरू हुआ था अविका के बर्थडे से. उसके लिए बर्थ वीक मनाया जाता था. फिर पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने नया शुरू किया कि बर्थ मंथ मनाया जाए. तो हर रोज मेरे घर पे बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे लवली लवली लेटर्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो बर्थ मंथ की शुरुआत हो चुकी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई होप गॉड मुझे बर्थडे पे ये प्रेजेंट दे कि मैं ले लद्दाख जाके आऊँ. ओके गिफ्ट की बात हो गई तो जानना चाहेंगे आपसे मैम ने क्या क्या दिया. मैम ने कोई गिफ्ट नहीं दिया. शी इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम. ये हैंड इन ग्लव रहती है फैंस के साथ. तो ये सब लोग मिलके इस बार कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पक रहा है आसपास, क्योंकि मेरे आसपास के जितने मेरे अपने हैं उन लोगों के आसपास कुछ सुनाई देता है. तो यू नो बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है. अभी सीक्रेट यहाँ खोलेगी नहीं एंड ना ही फैंस खोलेंगे. तो लेट्स सी क्या आने वाला है. फिलहाल तो बुके आने शुरू हो गए. I am excited and Manish ki Diwani gang and Radical Roasted, you guys know what I'm talking about.